अवज़ बल्ल मैंने शैतवान रोजी बिसम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बकी बाल कि बकी बाल क्या होता है आपको पता है कि कार्बन के तीन इलेक्ट्रोपिक फॉर्म होते हैं डायमंड ग्रेफाइट बकी बाल और एक और भी है दैट इज़ कार्ड कार्बन सूट लेकिन उसको हम मेंशन नहीं करते इनमें से जो बकी बाल है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड होता है अब आप देखिए फुलरीज़ जो होते हैं आर सॉलिड एलेक्ट्रोप्स ऑफ कार्बन ये सॉलिड एलेक्ट्रॉप्स होते हैं कि इसके कार्बन के जो बकी बाल इज़ मेंबर ऑफ अ क्लास ऑफ स्ट्रक्चर कार्ड कार्बन फलोरेंस ये जो बकी बाल है ये क्लास है किन स्ट्रक्चर का कार्बन फलोरेंस का और कार्बन फलोरस क्या होते हैं सॉलिड एलेक्ट्रोप्स ऑफ कार्बन होते हैं सो फलोरेंस आर मॉलिक्यूल कंपोज इन ऑफ कार्बन फलोरस में सिर्फ कार्बन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ होलोसफेयर या ट्यूबिकल फॉर्म इसमें जो होलोस्फेयर है या जो स्फेकल फॉर्म है उसको हम बकी बाल कहते हैं ये बकी बाल जो होते हैं इन स्ट्रक्चर टू ग्रेफाइट मतलब ग्रेफाइट की तरह दिखता है हेक्सागोनल पेंटागोनल और हेप्टागोनल रिंग्स होते हैं इनमें से जो कार्ब मालिक्यूल्स होते हैं वो कार्बन 20, 60, 70, 76 और 84 तक लेकिन इसमें जो कार्बन 60 है ये मोस्ट कामन है और जो लोवेस्ट है वो कार्बन 20 है इसका नाम बुक मिनंस्टर फुलरिन क्यू पड़ा एक आर्किटेक्टर था जिसका नाम था बुक फुलर सो उस नेम के पीछे इसका नाम बुकमिंस्टर फलोरिन पड़ा ठीक है फिर अगर आप देखें कुछ इंपॉटेंट एम्स की है कि बकी बाल जो होते हैं ये सुपर कंडक्टर्स हो सकते हैं एट लो टेंपरेचर, जब आप इनको मिक्स करते हो पोटाशियम के साथ और लो डेंसिटी गैशियस बकी बाल जो होते हैं वो क्या है नॉन कंडक्टर्स होते हैं लेकिन जो कार्बन सिक्सटी का क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो सेमी कंडक्टर भी हो सकता है तो इसका मतलब है कि बकीबाल में नॉन कंडक्टर इंसुलेटर भी है सेमी कंडक्टर भी है और सुपर कंडक्टर भी है डिपेंड करता है कंडीशन पर फिर नेक्स्ट देखिए कि ये बकी बाल ऑर्गेनिक क्यों होते हैं सो देखिए इसमें कैटिनेशन होती है मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन होते हैं एडिशन रिएक्शन मतलब ब्रोमिनेशन हाइड्रोजिनेशन शो करता है सबसे इंपॉर्टेंट बात ड्यू टू पाई बॉन्ड डी लोकलाइजेशन इस में बॉन्ड होते हैं उसकी डी लोकलाइजेशन की वजह से ये एरोमेटिक करेक्टर भी शो करता है कम्बस्टबल भी होते हैं और सॉलिबल इन ऑर्गेनिक सालवेंड भी होते हैं नेक्स्ट जो है दैट इज़ होमोलोगस सीरीज के वट इज़ होमोलोगस सीरीज क्या होता है सो अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ईच मेंबर इज़ डिफर फ्राम एडजेसेंट मेंबर बाय क्या मिथाइलिन ग्रुप या फोरटीन एम यू बाई मास क्यों लगा का है कार्बन का ट्वेल्व एम यू है हाइड्रोजन का टू एम यू है ठीक है सो होमोलोगस सीरीज के द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट करेक्टर्स होते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन सेम फंक्शनल ग्रुप सेम केमिकल रिएक्शन सेम प्रिपरेशन सेम स्ट्रक्चर सेम लेकिन सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी किसको कहते हैं डेंसिटी ऑफ एनी सबस्टांस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर इस कॉल स्पेसिफिक ग्रेविटी ठीक है फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स uh, है जो ईटा में आते हैं या ए पॉइंट से सबसे पहले दैट इज़ के आर रेडिकल क्या है सो रेडिकल अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें आप देखिए सी एच फोर को आप स्प्लिट करते हो होमोलाइटिक स्प्लिटिंग मतलब बॉन्ड जब टूटते तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन सी एच थ्री के पास चला दोनों रेडिकल्स बना देते तो इसलिए केमिस्ट्री में अब आर अल्काइल ग्रुप नहीं होता आर रिप्रेजेंट रेडिकल फिर इसमें लसाइन जो सोल्यूशन है जो सोडियम से बनता है वो बेसिक इन नेचर होता है क्योंकि वो एन बनाता है और लेसाइन सोल्यूशन आप क्यों यूज़ करते हो फॉर द डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट क्योंकि ये रिएक्शन को फास्ट करता है और इनऑर्गेनिक करता है लेसाइन सोल्यूशन मेनली सोडियम पे कंपोज्ड होता है सो so, एन कार्बन को और नाइट्रोजन को निकालता है इन द फॉर्म ऑफ एन ए सी एन सल्फ़र को निकालता है एन ए टू एस फॉर्म में और एक्स को निकालता है एन एक्स फॉर्म में ठीक है और अगर आप कार्बन एंड हाइड्रोजन को मालूम करना चाहें सो ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ वन रेशो थ्री में मिलाओगे तो आपके पास सी ओ टू और एच टू ओ बनेगा फिर सी ओ टू को आप डिटेक्ट करते हो किसके जरिए दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जरिए उसके साथ मिला देते तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देते मिल्की अपेयरेंस और हाइड्रोजन को आप डिटेक्ट करते हो कॉपर सल्फेट के जरिए सो वो ब्लू कलर बनाता है ड्यू टू ब्लू विट्रियोल या कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट